नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि देव ऋषि दयानंद जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए। आइए इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को 19वीं शताब्दी का सबसे महान समाज सुधारक माना जाता है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम घूम करके वेदों का प्रचार किया और लोगों को वेदों की महत्वता के बारे में बताया। स्वामी दयानंद नारी शिक्षा के सबसे बड़े पक्षधर थे। उन्होंने नारी शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। नारी को सम्मान दिलवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अनेक अभियान छेड़े जिससे कि नारी को सम्मान मिल सके। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन के जरिए सोए हुए हिंदुओं की आत्मा को जगा करके उनके अंदर नई चेतना पैदा की और समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध बिगुल बजाया। सभी भारतीयों को वेदों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। स्वामी दयानंद एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और वही सर्वव्यापक है, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा के साथ साथ जातिवाद और बाल विवाह के विरुद्ध अनेक अभियान छेड़े और लोगों को जागरूक किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समय भारत पराधीनता की बेड़ियों के अंदर झगड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने भारतीयों को जगाते हुए कहा कि भारत भारतीयों का है। भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश देते हुए उन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से लड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। जो लोग दयानंद के संपर्क में आते वो उनके अनुयायी बनते चले जाते और एक समय था जब लाखों की तादाद में देवऋषि दयानंद को अनुसरण करने वाले लोग थे। स्वामी दयानंद ने अपनी हर बात को वेद से प्रमाणित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको मानने वाले उनके अनुयायी पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। आज भी बड़े बड़े आयोजन करके देवऋषि दयानंद के कार्यों को याद किया जाता है। स्वामी दयानंद को धार्मिक और सामाजिक क्रांति का प्रोधा कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर वेद शास्त्रों के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को महत्व दिया। समाज में फैले अंधविश्वास और जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का घोर खंडन किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया और सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेदों का मार्ग सुनने का कहा। स्वामी दयानंद ने जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति को सही नहीं ठहराया। धर्मशास्त्र और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा। दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों के समान अधिकार का समर्थन किया और पुरुषों के समान वेदों को पढ़ने का अधिकार प्रदान किया। स्वामी दयानंद ने स्पष्ट किया कि तीर्थ केवल पूजा और कर्मकांड करने के लिए नहीं है। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया और कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। दलितों और स्त्रियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले देवऋषि दयानंद ही थे। स्वामी दयानंद का शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप शिक्षा की शुरुआत करने वाले देवऋषि दयानंद ही थे। देवऋषि दयानंद अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्राचीन वेद शास्त्रों के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को भी महत्व दिया और मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर जोर दिया। सन 1883 में देवऋषि दयानंद हम सब को छोड़कर के चले गए और उनकी याद में उनके अनुयायियों ने सन 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर के अंदर की और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर 1000 से ज़्यादा शिक्षण संस्थानें उनके नाम पर चल रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अनेक महापुरुषों के जीवन के ऊपर और उनके कार्यों के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और आपको भेजता रहूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।